हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू FCA Sir Classes। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कर रहे थे। थ्री मेथड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लीफो मेथड, लीफो मेथड और पिछले वीडियो में हमने बताए थे सिंपल अवेयर मेथड। ये स्टूडेंट लेजर का लास्ट मेथड है और ये चैप्टर का भी ये लास्ट मेथड है। अगर ये मेथड हमने कम्प्लीट किया तो मटेरियल कॉस्ट अकाउंटिंग में ये चैप्टर कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ मेथड का नेम है वेटेड एवरेज मेथड। आपको समझ में आएगा तो वेटेड एवरेज मेथड यानी कि सिंपल एवरेज मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं, अमाउंट और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, यानी कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। जैसे कि आप परसेंटेज निकालते हैं एग्जाम्स में तो टोटल मार्क्स डिवाइडेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है ना। यहाँ पर भी क्या मालूम है, वेटेड एवरेज प्राइस का फार्मूला, अगर प्राइस निकालना रहा तो क्या करना होता हमको, टोटल कॉस्ट यानी टोटल अमाउंट, टोटल रुपीज, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये फार्मूले के द्वारा हमको क्या है प्राइस पे इशू करना होगा, ठीक है। वेटेड मेथड क्या है, टोटली इजी मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो यहाँ पे जो प्राइस आएगा पॉइंट पे ज्यादातर आएगा, तो इस लिहाज से लास्ट का जो आंसर होता है क्वांटिटी तो करेक्ट आता है, लेकिन अमाउंट में थोड़ा बहुत क्या है, अमाउंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रुपीज में क्या रहता है हमारे पास पॉइंट पे ज्यादा, पैसा 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 10 पैसा तक क्या है ज्यादा कम होता है, इस लिहाज से अमाउंट हमको चेंजेस आएगा। वेटेड एवरेज मेथड मेन इंपॉर्टेंट हमको होता है, क्लोजिंग स्टॉक इंपॉर्टेंट रहता है, अमाउंट में चेंजेस आएगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं हम इसकी मीनिंग। वेटेड एवरेज मेथड का मीनिंग होता है, अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इश्यूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एट वेटेड एवरेज प्राइस, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब हम मटेरियल इश्यू करेंगे तो कौन से बेस पे करेंगे, हम वेटेड एवरेज प्राइस रेट पे, क्योंकि अब फीफो पे हम जब कर रहे थे मेथड तो देख रहे थे कि फर्स्ट प्राइस कौन सा है, फर्स्ट क्वांटिटी का और फर्स्ट रेट। लीफो जब हम कर रहे थे देख रहे थे लास्ट क्वांटिटी कौन सा है, लास्ट क्वांटिटी का प्राइस कितना है। जब हम सिंपल एवरेज मेथड स्टार्ट किए थे जब हम देख रहे थे कि इससे एवरेज प्राइस कितना है, मैक्सिमम भी नहीं मिनिमम भी नहीं, एवरेज रेट कितना है। वेटेड में क्या रहता है, हमको यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस पे क्या इशू करना होगा, यानी कि टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी के बाद हमको जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे हमको इशू करना होगा, ठीक है। वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाई, यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस प्राइस पे करना है, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी क्या बोल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट यानी कि मटेरियल जो परचेस करते हैं, जो टोटल अमाउंट होता है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, मटेरियल ऑन द डेट ऑफ इश्यू बाई द टोटल क्वांटिटी ऑफ द अवेलेबल मटेरियल, यानी कि टोटल अमाउंट को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल क्वांटिटी से। तो जब जो प्राइस आएगा वो प्राइस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को इश्यू करेंगे। यही है सिंपल सा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड का। अगर आप लोग फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड टोटली कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हुए हैं तो वेटेड आपको इजी होगा, लेकिन जो फीफो, लीफो एंड वेटेड सिंपल एवरेज मेथड की प्रॉब्लम नहीं देखे, ये जिसके लिए ये फर्स्ट वीडियो है उनके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिंक पे प्ले स्टोर पे क्लिक करके कॉस्ट अकाउंटिंग में जाके आप ये मेथड ऑल मेथड देख सकते हैं, उसके बाद ही वेटेड एवरेज मेथड आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड के लिए करने के लिए हमको एक फार्मूला यूज होगा, जो फार्मूला ये है, वेटेड एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट में टोटल खर्चा कितना होता है, टोटल अमाउंट कितना है, वो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, उसके ऊपर जो प्राइस आएगा वही प्राइस हमको इश्यू करना होगा। चलिए मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आपको अच्छा से ईजी होगा, क्योंकि ये थ्री क्लास है, इसमें मीनिंग एंड मेथड का थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा, नेक्स्ट हम कल से वीडियो प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको इजी होगा, कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम आप क्या है ऐसे पर रहना तो इजी होगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या है वेटेड एवरेज प्राइस का, वेटेड एवरेज प्राइस, यानी एवरेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल अमाउंट, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, जो जितना भी मटेरियल का जो अमाउंट है, मटेरियल डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। देखिए दोनों में चेंजेस है, यहाँ पे है रुपीस के बारे में और यहाँ के बारे में क्वांटिटी मटेरियल, ठीक है। एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि देखो हमारे पास क्वांटिटी है कितना है, 400, क्वांटिटी कितना है 400 है, और टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है, अमाउंट है 40,000, ठीक है, ये अमाउंट है और ये क्वांटिटी,
तो हम ये फॉर्मूले से हम टोटल प्राइस मार्क करना रहा, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में टोटल अमाउंट कितना हमारा 40,000 हो रहा है, और टोटल क्वांटिटी कितना हमारे पास 400, ये कॉमन जीरो कट होगा, 4 1 4 1 तो 1 रुपीज कितना है, 1 पर कॉस्ट का 100, ये रेट होगा। इसी तरीके से हमको कॉस्ट पर कॉस्ट वेटेड कॉस्ट ऑफ प्राइस फाइंड आउट करना होता है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, तो हमको क्या आएगा प्राइस आएगा, वही प्राइस से हम क्या करना रहता है इश्यू करते वक्त उस क्वांटिटी को इंटू करना होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हुआ होगा, जिस किसी को अगर डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कल से हम प्रॉब्लम करेंगे, इसके लिए भी सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रॉब्लम सिंपल प्रॉब्लम आएगा, यानी कि रिटर्न मेथड या शॉर्टेज मेथड या सप्लाई मेथड कोई नहीं होगा, डायरेक्टली सिंपल प्रॉब्लम, उसके बाद हम थोड़ा सा शॉर्टेज की प्रॉब्लम सरप्लस की प्रॉब्लम देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे रिटर्न्स रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, मेथड भी कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। इसके ऊपर भी अगर फोर टोटली मटेरियल चैप्टर्स में आपको किस किस कौन से भी मेथड मिस्टर लेवल्स में दो या फिफो लेजर लेजर मेथड में दो, जिस किसी में भी आपको डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर जिसको सोशल मीडिया पेज पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहें FCA Sir Classes।